दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ऋषि मलिक है एंड आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा एक्सेस फोकस 25 फंड के बारे में और कोटक महिंद्रा स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के बारे में। इन दोनों ही फंड का आप सभी को कंपैरिजन देना चाहूँगा एज पर रिटर्न्स, चार्जेस, असेट एलोकेशन एंड टॉप 10 होल्डिंग्स क्या रहेंगी अभी के समय पर और लास्ट वन ईयर के अकॉर्डिंग लास्ट 5 ईयर्स तक कितना रिटर्न ये दोनों फंड प्रोवाइड कर चुके हैं और क्या रहेगी अभी के समय पर एनएवी। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप कैटेगरी प्लान्स एंड ईएलएसएस पॉलिसीज। तो अगर बात करता हूँ एक्सेस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान की, जिसमें अभी के समय पर एक यूनिट का प्राइस 31 रुपीज अप्रॉक्सीमेट रहेगा, उसी के साथ आप सभी को दिखाना चाहूँगा क्रिजल की जो रैंकिंग है 5 स्टार रैंकिंग रहेगी इस फंड के लिए। एंड रिस्क मीटर के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा मॉडरेट हाई रिस्क रहेगा इस फंड के अंदर। उसी के साथ मैं आप सभी को अभी के समय पर इस फंड का एग्जैक्ट रिटर्न दिखाना चाहूँगा जो लास्ट 1 मंथ से 5 साल तक के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर एक्सेस फोकस 25 फंड ने 23.3% का कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड किया है एज पर मार्केट फ्लक्चुएशन। और उसी के साथ अब मैं आप सभी को इस फंड का पोर्टफोलियो दिखाना चाहूँगा, क्या पोर्टफोलियो रहेगा अभी के समय पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो HDFC बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, TCS जैसी कंपनीज इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी के समय पर अगर आप इस प्लान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सेक्टर वाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी के समय पर एक्सेस फोकस 25 फंड के अंदर। एंड ऑटोमोटिव सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इक्विटी सेक्टर में आपका जो पैसा है 88.66% लगाया जा रहा है एंड आपका जो डेब्ट मार्केट है उसके अंदर 9.80% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है इस प्लान। तो अगर बात करता हूँ एज कंपैरिजन इन बिटवीन कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान एंड एक्सेस फोकस 25 फंड के अंदर, अभी के समय पर एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड एक्सेस फोकस 25 फंड का जो NAV है वो 31 to 30 रुपीज तक का रहेगा, जहां पर कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का NAV अभी के समय पर 36.680% का आपको दिखाया जा रहा है। उसी के साथ मैं आप सभी को रिटर्न्स में कंपैरिजन देना चाहूँगा एज पर रिटर्न्स कोटक का जो प्लान है वो बहुत बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू एक्सेस फोकस 25 फंड, जो अभी के समय पर मैक्सिमम रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सिर्फ से सिर्फ 22.2% दिखा रहा है। उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अभी के समय पर कोटक महिंद्रा स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 मंथ के अकॉर्डिंग 4.6% एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर 5 साल का बताऊं तो 24.5 साल का रिटर्न आएगा। उसी के साथ मैं अभी आप सभी को बताना चाहूँगा इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की कंपनीज के बारे में, HDFC बैंक, रिलायंस, लार्सन, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, SBI, ITC, RBL बैंक, मारुति सुजुकी। मतलब यह है कि आपका कोटक महिंद्रा स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के अंदर जो पोर्टफोलियो है और जो टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज है वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर से आ रहे हैं अभी के समय पर। कुछ कंपनीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के रहेंगे, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और उसी के साथ टपाको एंड ऑटोमोटिव कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। अभी के समय से अगर बात करता हूँ कोटक महिंद्रा स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के असेट एलोकेशन के बारे में एज कम्पेयर टू एक्सेस फोकस 25 फंड, इक्विटी पार्टिसिपेशन जो रहेगा वो 92.20% का रहेगा, उसी के साथ अदर्स में 2.12% जो लिक्विडिटी के लिए रहता है। और उसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कैश एंड कॉल 4.78%। मतलब यहाँ पर ये रहा कि अभी के समय से अगर आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पार्टिसिपेशन है इक्विटी में आपका 92% रहेगा एज कम्पेयर टू एक्सेस फोकस 25 फंड, जहाँ पर आपका इक्विटी पार्टिसिपेशन सिर्फ से सिर्फ 88% तक का रहेगा। उसी के साथ अगर बात करता हूँ सेक्टर वाइज बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव,
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सीमेंट दोनों ही की सेक्टर आपके कंपैरिजन में रिलेटेड टू रहेंगे ईच अदर, बट अभी के समय से अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, दोनों ही फंड बेहतर रहेंगे। आपको एग्जैक्टली देखना होगा कि आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है अभी के समय से, जिसे आप लेकर एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें। तो ये रहेगा मेरी तरफ से आपका कंपैरिजन दोनों ही फंड के बारे में, कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड डायरेक्ट प्लान एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म फोकस 25 डायरेक्ट प्लान, जहां पर आप सभी को मैंने दिखाया एज कम्पेयर टू रिटर्न्स, पोर्टफोलियो चार्जेस, असेट एलोकेशन एंड टॉप 10 होल्डिंग्स, कौन सा फंड बेहतर रहेगा अभी के समय पर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप एंड ELSS।